भजन संहिता अध्याय 41। भजन संहिता अध्याय 41। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछोने को उलटकर ठीक करेगा। मैंने यहोवा से कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वह कब मरेगा, उसका नाम कब मिटेगा, और जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है। उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था वह मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा ले कि मैं उनको बदला दूं। मेरे शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है और मुझे तो तू खराई से संभालता है और सर्वदा के लिए अपने सन्मुख स्थिर करता है। इसराइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनादिकाल तक धन्य है। आमीन, फिर आमीन।